हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारा चैनल मैजिक किचन ऑफ कृष्णा, आपका अपना चैनल। तो बने रहिएगा हमारे साथ, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, साथ में रहिएगा। हम लाते हैं आपके लिए हमेशा अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। तो डिलीशियस रेसिपी टिप्स और ट्रिक्स के साथ देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। आज हम लाए हैं अपने दोस्तों के लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी। ये है भुना मग। तो चिकन खाने का मन सबको होता है, लेकिन चिकन को डिफरेंट डिफरेंट वेज में बनाने का मन भी सबको होता है। तो क्यों ना आज बनाए हम भुना मुर्ग, यानी भुना चिकन। तो मुर्ग भुना बहुत ही टेस्टी होता है और ये आप स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं और इसे आप अपने मेन कोर्स में भी शामिल कर सकते हैं। तो स्नैक्स के रूप में बनाइए ये भुना मुर्ग, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस। हम आपको बताएंगे कुछ टिप्स और ट्रिक्स जिससे आप भुना मुर्ग बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बना सकते हैं, बिल्कुल वैसा जैसा रेस्टोरेंट में बनाया जाता है। तो रेस्टोरेंट के स्टाइल में बनाएंगे आज हम घर में भुना मुर्ग। तो बने रहिए मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ और बनाइए ये अमेजिंग रेसिपी। तो चलो फ्रेंड्स, बनाते हैं भुना मुर्ग। हमने यहाँ पे लिया है बेस्ट क्वालिटी का चिकन, ये हाफ के जी चिकन है फ्रेंड्स। तो बेस्ट क्वालिटी यूज करते हैं हम हमेशा। देखिए बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल जूसी चिकन, अच्छे से वॉश किया हुआ। ये देखिए हमने गर्म पानी और नमक डाल के अच्छे से वॉश कर लिया है इसको, और अब इसको मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पे हम दही को अच्छे से फेंट लेते हैं और इसमें ऐड कर देंगे टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, और हम ऐड कर रहे हैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और क्यूमिन पाउडर, गरम मसाला। अब इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो ये देखिए मसाला हमारा रेडी हो गया अच्छे से। तो ये स्पेशल मसाला है जिसको हमें भुना मुर्ग में यूज करना है। तो ये देखिए अच्छे से चिकन को हमने धो लिया है, वॉश कर लिया है। तो ये हाफ केजी चिकन है, आप देख सकते हैं कितना जूसी है और बिल्कुल फ्रेश है स्पेशल चिकन। यहाँ पर हम बरिस्ता बना लेते हैं। तो हमने ऑयल लिया है, उसमें हम ऑनियन के लच्छे भून लेंगे ठीक इस तरह से, और ये जब ठंडे होंगे तो इसमें कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। तो इस डिश में जो स्पेशल होता है वो होता है बरिस्ता का फ्लेवर। तो भुने हुए ऑनियन का जो फ्लेवर होता है वो इस डिश को खास बना देता है। अब जो हम ऑनियन भूनते हैं जिस ऑयल में, वो ऑयल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है भुना मुर्ग को स्पेशल बनाने में। तो उसी ऑयल में बनाइएगा जिसमें आप ऑनियन को फ्राई कर रहे हैं। तो इसी ऑयल में हम बनाएंगे अपना भुना मुर्ग। ध्यान रखें कि इसमें थोड़ा ऑयल ज्यादा जाता है। तो हम पहले इसमें बरिस्ता तैयार कर लेते हैं और उसके बाद हम बनाएंगे भुना मुर्ग। तो बरिस्ता जो है इस डिश की खास इंग्रेडिएंट है, उसको हम प्रिपेयर कर लेते हैं। आप चाहें तो बरिस्ता बनाकर आप उसे सेफ रख सकते हैं, और आप चाहें तो इमीडिएट आप बनाकर भी आप भुना मुर्ग बना सकते हैं। देखिए तो
फ्रेंड्स, वरिष्ठा हमारा तैयार हो रहा है धीमे धीमे, लेकिन फ्लेम को रखिएगा मीडियम हाई पे। मीडियम हाई पे हमने ये देखिए कुरकुरा बरिस्ता बनाकर रेडी कर लिया है। तो ये सारे ऑनियन हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 300 से 400 ग्राम ऑनियन लिया है जिसको हम बरिस्ता बना रहे हैं। तो भुना मुर्ग में ऑनियन ज्यादा जाता है, इसलिए ऑनियन की मात्रा हमें ज्यादा लेनी है। आधा किलो में हम तकरीबन यहाँ पर 400 ग्राम ऑनियन यूज करेंगे। तो देखिए इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑनियन अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। तो हमने तकरीबन 400 ग्राम ऑनियन के लच्छे फ्राई कर लिए हैं। ये देखिए बिल्कुल कुरकुरे, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है, उससे उस कड़वापन आ जाता है। तो हमें इतना ही ऑनियन को फ्राई करना है। तो हमारे बरिस्ता तो रेडी हो गए फ्रेंड्स। अब इस ऑयल में ही हम बनाएंगे भुना मुर्ग। देखिए ऑयल गरम है तो हमने फ्लेम को लो कर दिया। अब लो फ्लेम में हम इसमें बनाएंगे भुना मुर्ग। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑयल हमने इसी ऑयल में बनाना है। तो हम ऐड कर देंगे अच्छे से वॉश किए हुए चिकन के पीसेस। तो फ्रेंड्स, हम चिकन के सारे पीसेस ऐड कर रहे हैं। फ्लेम को हमने हाई कर दिया है। जब चिकन के पीसेस ऐड करें तो फ्लेम को एक बार हाई कर लें, क्योंकि चिकन के पीसेस ऐड करने के बाद टेम्परेचर डाउन होता है। इसलिए टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए फ्लेम को हाई रखें और उसके बाद सारे पीसेस ऐड करने के बाद फ्लेम को मीडियम कर दें। तो देखिए सारे पीसेस हम ऐड कर रहे हैं इसमें और उसके बाद फ्लेम को कर देंगे मीडियम और इसको करेंगे फ्राई। तो जो भुना मुर्ग होता है उसमें स्पेशल ये होता है कि हम इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं मिलाते हैं और चिकन को ऑयल में फ्राई करना होता है अच्छे से। तो ये ऑयल में अच्छे से भुनाई करनी होती है। ये देखिए हम यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑयल में फ्राई नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ ऑयल की मात्रा ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि चिकन जो है वो पकेगा ऑयल में अच्छे से भुनाई करके। तो देखिए चिकन के पीसेस को भून रहे हैं हम। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से फ्राई करने से क्या होगा कि जो चिकन का फ्लेवर है वो ऑयल में आ जाएगा, और उसी ऑयल को जब आप कम्प्लीटली यूज कर रहे हैं तो चिकन जो बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा। तो फ्रेंड्स, हमारे चिकन की आप देख सकते हैं भुनाई बहुत अच्छे से हो रही है, और अब आप देख सकते हैं कि चिकन जो है वो बिल्कुल अच्छे से भुनाई हो गई है, उसकी कलर चेंज हो गया है। और ऑयल भी आप देख सकते हैं कि जब हम चिकन डालते हैं तो उस समय उसमें पानी की जो मात्रा होती है उसके कारण ऑयल जो है वो थोड़ा सा धुंधला हो जाता है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं ऑयल में पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं है और चिकन की हमारे अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तो देख सकते हैं आप, चिकन का कलर चेंज हो गया और चिकन की भुनाई अच्छे से हो गई है। कुल भुनाई में हमें 5 मिनट का समय लगा है इस चिकन को अच्छे से भुनने में। तो देखिए फ्रेंड्स, अब बिल्कुल जो है ऑयल से आप देख सकते हैं सेपरेट हो गया, चिकन अच्छे से भुन गया है, अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है। देखिए चिकन की बहुत अच्छे से भुनाई हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये ऑनियन। तो हमने जो 400 से 500 ग्राम प्याज लिया था उसमें से आधा हमने बरिस्ता बनाया और आधे को हम इस तरह से कच्चा ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चिकन है वो इसी ऑनियन के पानी में पकेगा। तो ऑनियन ऐड करने के बाद फ्लेम को मीडियम कर देना है, हाई नहीं रखना, नहीं तो ऑनियन जल जाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ गार्लिक। तो खूब सारा गार्लिक जाता है, ऑनियन और गार्लिक का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है इसमें, और इसकी मात्रा भी ज्यादा ऐड होती है।
तो अब इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्लेम को हमने कर दिया है मीडियम। ध्यान रखें फ्रेंड्स कि फ्लेम को आपको मीडियम या मीडियम टू लो करना है, हाई नहीं करना है ऑनियन ऐड करने के बाद, वरना क्या होगा कि ऑनियन जल जाएगा और उसका कड़वापन जो है चिकन में आ जाएगा। अब इसमें ऐड कर देंगे हम बे लीव्स, बड़ी इलायची, एक बड़ी इलायची हमने ऐड किया, चार हमने छोटी इलायची ऐड कर दिया, एक टुकड़ा हमने दालचीनी का ऐड कर दिया, जावित्री ऐड कर दिया हमने, बहुत ज्यादा नहीं ऐड करना है, दो सूखी मिर्च हमने तोड़कर ऐड कर दिया, और चार से छह लौंग ऐड कर दिया, और ऐड कर दिया 8 से 10 काली मिर्च। ये खड़े मसाले हमें ऐड करने हैं इसी समय। और ये है जायफल, तो जायफल को हम घिस देंगे, बहुत ज्यादा नहीं, 1/4, एक जायफल का 1/4 हिस्सा ही हम घिसेंगे। इससे क्या होगा कि चिकन जो है वो अच्छे से पक जाएगा, क्योंकि इसमें पानी हमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। तो ऐड कर दिया टर्मरिक पाउडर, बहुत थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा, इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स आप जायफल की जगह पपीता भी यूज कर सकते हैं, कच्चा पपीता, जो कि चिकन और मटन को अच्छे से पकने में, टेंडर होने में मदद करता है। तो जायफल से तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, स्मेल बहुत अच्छा आता है, और अच्छे से पक भी जाता है। और पपीते से क्या होता है, उसका एक नुकसान ये होता है कि पपीते का जो टेस्ट है वो चिकन और मटन को थोड़ा सा डिफरेंट कर देता है, थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाता है। सो जायफल यूज करना ज्यादा फायदेमंद होता है। और यदि हल्का सा मिठास आप चाहते हैं तो आप जो है पाइनएप्पल भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, अब आप देख सकते हैं कि जो प्याज है उसने पानी छोड़ दिया है। अभी जो पानी की मात्रा देख रहे हैं वो प्याज का है, तो फ्लेम हमने लो कर दिया है। अब लो फ्लेम में ही ये पकेगा। ध्यान रखें कि 45 मिनट से ज्यादा नहीं लगता पकने में इसको, यानी टोटल 45 मिनट में ये पक के तैयार हो जाता है। चिकन की भुनाई से लेकर इसको प्रिपेयर होने में टोटल 45 मिनट का समय लगता है। बहुत ज्यादा नहीं पकाना होता है आपको, वरना चिकन हार्ड हो जाएगा और टेस्ट नहीं आएगा। तो देखिए, प्याज में पकते हुए इसे 8 से 10 मिनट हो गए हैं, और अब आप देख सकते हैं प्याज का काफी पानी सूख गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो ये एक बड़ा चम्मच हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया। इसकी भी हमें भुनाई करनी है, इसका कच्चापन पूरी तरह से निकल जाए तब तक हमें इसकी भुनाई करनी है। आप देख सकते हैं कि प्याज अच्छे से पक गया है। तो फ्रेंड्स हम जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी बहुत अच्छे से पका लेते हैं मसालों के साथ में। फ्लेम हमने फ्रेंड्स अभी भी मीडियम टू लो कर रखा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं चिकन हमारा बहुत अच्छे से पक रहा है इसी पानी में, यानी ऑनियन के पानी में ही पक रहा है, एक्स्ट्रा कोई भी पानी इसमें ऐड नहीं किया है। तो भुना चिकन, भुना मुर्ग की यही खासियत होती है कि इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल ऐड नहीं की जाती है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो गार्लिक पेस्ट है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, वो भी अच्छे से भुन गया है, और चिकन का जो कलर है वो भी काफी चेंज हो गया है। बहुत ही डिलीशियस लग रहा है ना फ्रेंड्स, देखिए बनाकर देखिए, बिल्कुल बहुत अमेजिंग होता है। इसको आप स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं, और आप चाहें तो इसे आप डिनर में, लंच में भी
मेन कोर्स के साथ यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही डिलिशियस होता है। तो देखिए अच्छे से भुनाई हो गई है। इम्पोर्टेंट क्या होता है इसमें, इम्पोर्टेंट होता है बहुत पेशेंस के साथ इसकी भुनाई करना। आप हाई फ्लेम नहीं कर सकते वरना मसाले सारे जल जाएंगे और चिकन कच्चा रह जाएगा। तो देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं हमें मसाले मिलाकर पकाते हुए। आप कलर देख सकते हैं, कलर से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह से भुनाई हो रही है इसकी। तो आप देख सकते हैं कि चिकन की हमारे बहुत अच्छे से भुनाई हो गई है। तो जो हमने दही के अंदर मसाला रेडी रखा था उस मसाले को हम इसमें ऐड कर देंगे। ये है इस भुना मुर्ग का स्पेशल मसाला। इसमें देगी मिर्च भी है, इसमें तीखा वाला मिर्च भी है, हल्दी है, धनिया है, गरम मसाला है और इसमें जीरा पाउडर भी है। तो देखिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है और पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया है। तो मसाले को निकालने के लिए हमने बिल्कुल पानी इसमें ऐड नहीं किया। पानी की मात्रा बिल्कुल ऐड नहीं होगा और इसी मसाले को हमें मिक्स करना है और चिकन के साथ इसे भूनना है। तो इसमें जो दही है वो पानी छोड़ेगा और उसी दही में ये पक जाएगा। तो जो दही हमने ऐड किया है वो पानी छोड़ेगा और इसमें ये पक जाएगा। आप देख सकते हैं कि दही जो है ऐड करने के बाद, इस मसाले को ऐड करने के बाद लिक्विड ही हो गया है। आप देख सकते हैं अब इसी के अंदर पकेगा। तो इसको हमें बिल्कुल लो कर देना है फ्लेम को और बिल्कुल लो फ्लेम पे ये 12 से 15 मिनट में पक के रेडी हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा चला दें इसे, जिससे बिल्कुल भी मसाला नीचे लगे नहीं। मसाला लग गया तो टेस्ट खराब हो जाएगा, इसलिए मसाले को लगना नहीं है। तो आप मसाला ऑयल सेपरेट करें, तब तक आपको इसको थोड़ा चलाना है, अच्छे से चलाते हुए पकाना है, जिससे क्या होगा कि मसाला लगेगा नहीं और बहुत अच्छे से पक जाएगा, साथ में चिकन जो है वो भी टेंडर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से ये पक रहा है, बहुत डिलीशियस लग रहा है ना फ्रेंड्स। यही खासियत होती है भुना मुर्ग की। अब देखिए आप कलर चेंज हो गया काफी, मसाला बहुत अच्छे से पक रहा है, चिकन भी उसके साथ बहुत अच्छे से पक रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में हम इसको चला रहे हैं जिससे मसाला बिल्कुल भी नीचे नहीं लगे। ऐड कर देंगे सॉल्ट, अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। पानी आ रहा ना फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है ये। देखिए कितने अच्छे से पक रहा है ये और ऑयल अब सेपरेट होने लगा है, मसाला अब अच्छे से पक कर तैयार होने लगा है। देखिए मसाला अच्छे से पकने की निशानी होती है कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाता है, बबल्स आने लगते हैं। तो देखिए मसाला बहुत अच्छे से भून के रेडी हो रहा है और चिकन भी अच्छे से पक रहा है। देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है ना फ्रेंड्स, बहुत ही डिलीशियस। और ये नान के साथ, रोटी के साथ तो बहुत अमेजिंग लगता है। मुझे तो इसे यूं ही खाना पसंद है, स्नैक्स के तौर पे बहुत टेस्टी होता है फ्रेंड्स। बहुत ही डिलीशियस होता है। तो देखिए मसाले को हमें पकाना है, ढक देंगे इसको, 10 मिनट के बाद हम इसे ओपन कर लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स और अब आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा
अच्छे से पक गया है और मसाला भी अच्छे से पक गया है, ऑयल सेपरेट हो गया पूरी तरह से। देखिए तो हमारा भुना मुर्ग बन के बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स, बस इसे फिनिशिंग देना है हमें। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल पक गया है ये, अच्छे से टेंडर हो गया है। तो चिकन तो पक गया है फ्रेंड्स और बहुत अमेजिंग भुना मुर्ग रेडी है हमारा। ऐड कर देंगे खूब सारा कोरिएंडर लीव्स चॉप किया हुआ, थोड़े से मिंट लीव्स भी ऐड कर दिए हमने, मिंट का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। तो खूब सारा कोरिएंडर और थोड़े से ग्रीन चिली भी हमने स्लेट करके ऐड कर दिया। फिनिशिंग देंगे हम इसको और ऐड कर देंगे हम जो बरिस्ता हमने फ्राई करके रखा था उसको। देखिए उसको मिक्स कर दिया हमने और अब आप इसकी रंगत ही बदल गई, आप देख सकते हैं इसकी रंगत बिल्कुल बदल गई है फ्रेंड्स। 3 से 4 मिनट और हमें बरिस्ता के साथ इसको भूनना है। तो थोड़ा थोड़ा चलाते हुए लो फ्लेम पे ही भूने। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा भुना मुर्ग भुना चिकन बनकर रेडी है, कितना डिलीशियस लग रहा है ना, बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स, देखिए बहुत अमेजिंग है। तो क्या सोच रहे हैं फ्रेंड्स, तैयारी कर लीजिए और जल्दी से हमारी तरह बना लीजिए ये भुना मुर्ग, टेस्टी डिलीशियस। देखिए बिल्कुल कलर चेंज हो चुका है इसका और कितना टेंडर लग रहा है, बिल्कुल स्पाइसी और बहुत टेस्टी जूसी चिकन भुना तैयार है बिल्कुल परोसने के लिए। देखिए बहुत अमेजिंग, बहुत ही डिलीशियस। चलिए प्लेट कर देते हैं हम इसको। तो प्लेट करने के लिए भी हम बहुत खास तरीका यूज करेंगे, इसको हम अच्छे से प्लेट करें। देख रहे हैं आप कि कितना अच्छा टेस्टी है इसका कलर और इसका टेक्सचर, आप देख सकते हैं बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स। इसे आप स्नैक्स के तौर पे खाइए, बहुत डिलीशियस होता है और सर्दियों में तो इसका आनंद ही कुछ और है। तो हमारा भुना मुर्ग बनकर रेडी है, गार्निशिंग में यूज करेंगे कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिलीज, खूब सारी जिंजर लच्छे, अदरक के लच्छे और थोड़ा सा बरिस्ता, बस और क्या चाहिए। चलिए थोड़े से लेमन वेज हमने ऐड कर दिया है, तो लेमन को यदि आप इसमें ऐड कर दें तो ये डाइजेस्ट भी होता है और टेस्टी भी लगता है। तो फ्रेंड्स तैयार है हमारा भुना मुर्ग, कैसा बना आप जरूर बताइए। फ्रेंड्स आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइएगा और बने रहिएगा मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ और बनाते रहिएगा अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। शेयर कीजिएगा अपने व्यूज और बनाइएगा जरूर ये अमेजिंग रेसिपी, हम लाएंगे आपके लिए फिर नई रेसिपी। साथ में रहिए और अपना प्यार बरसाते रहिए। टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ आपके अपने चैनल मैजिक किचन ऑफ कृष्णा में।